विदिशा जिले के सिरूंज तहसील के चकना ग्राम में कक्षा 5 तक स्कूल है। उसके आगे पढ़ने के लिए बच्चों को पास के गांव सेमलखेड़ी के हाई स्कूल आना पड़ता है। दोनों गांव के बीच देवपुर नदी बहती है। बारिश के मौसम में नदी की गहराई और बहाव काफी बढ़ जाती है, जिससे स्कूली बच्चों और गाँव वालों को नदी पार करने में काफी परेशानी होती है। बारिश के मौसम में बच्चे अधिकांश दिनों में सेमलखेड़ी स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में बहुत समस्या उत्पन्न होती है और वो पीछे हो जाते हैं। इन्हीं सब समस्या को लेकर कार्तिक, अनुज, ऋतिक ने बताया कि बारिश में नदी चढ़ जाती है तो माता पिता घर ही रोक लेते हैं और हमारा स्कूल छूट जाता है। वहीं ग्राम चकना के सरपंच राधा रमन ने बताया कि चकना, दौलतपुर, कचनरिया ग्रामों का रास्ता यही है। हम कई बार प्रस्ताव बना चुके हैं कि इसको सुधारा जाए, मगर अभी तक पुलिया स्वीकृत नहीं हुई है। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। परेशानी बहुत ज्यादा है साहब, परेशानी मुसीबत है नदी की। मतलब जो बच्चे बह जाते हैं और पढ़ने नहीं जाते हैं, और इतनी मतलब बीमार लोग हो जाते हैं, इस तरफ छिक जाते उस तरफ छिक जाते हैं, निकले नहीं पाए साहब। बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है। कब से है परेशानी? कम से कम वो तो 20 साल तक, बहुत 20 साल से है जिंदगी से परेशानी चल रही। 20 साल से पुलिया मुलिया कुछ नहीं है, मतलब बहुत परेशानी है साहब। सभी लोग निकास मतलब दे दिएगा और जात कहीं नहीं बताऊं तुम्हें। नदी की सबरी परेशानी है आजकल, 50 साल से परेशान भोग रहा है वो, भोग रहा है जिंदगी से ही भोग रहा है हम तो। क्या परेशानी होती है? अरे चढ़ जाते छिक जाते हैं, तो सुरोन जाते हैं, तो सुरोज की सुरोज में झेरे जा से हमारे खेरी में। अच्छा, और बाज पड़ भी जा रहा है मोड़ा मोड़ी झाई ढही रही, कहूँ को भेरावे कहूँ को कछु पकड़ रहे हैं। नहीं नदी में से निकलने वाला रास्ता है? बिल्कुल नदी में से ये जो रास्ता और कहीं भी नहीं है जो ये रास्ता। इसके सब कुछ नहीं रास्ता, तुम्हें जहाँ से वहाँ दिखा रहा कहीं नहीं है रास्ता, जो ये वो रास्ता। गाड़ी घोड़ी जो भी पैदल यहीं से निकालते है। फिर घर होंगे ना? हाँ हो सकते हैं, दो सौ घर है, 200 घर है। और आवाक जावाक बहुत, दौलतपुर की, कचनारिया की, जाइए नारायणपुर, सब गए जाइए। एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है, नदी पार करके जाना। नदी पार करके जाना, और नदी चढ़ जाती है, फ्री करती है, रुक जाते हैं, नहीं जा पाते। आज 4-4 दिन वो नहीं उतरा जा। नदी वाला ये मामला है, हम कभी जा पाते हैं, नदी चढ़ जाती है तो हम जा नहीं पाते। सेमलखेड़ी। कौन से गाँव की नदी है? चकने की नदी है। वहाँ से आते हो तुम? हाँ उधर से आते हैं, फिर इधर जाते हैं। हमारे नदियाँ में मतलब की कीचड़ वगैरह या फिर पानी बरसात में बहुत ज्यादा समस्या होती है। बांध निकालने में समस्या होती है और लोगों को आने जाने में समस्या होती है। और अगर किसी भी टाइम पे नदी वगैरह चढ़ जाती है ना, उस टाइम पे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो बांधों को उपयोग करते हैं निकालने के लिए, बड़े बड़े साधनों का रहती है ऑलरेडी, पर बरसात खत्म होने के बाद भी रहती है, क्योंकि निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है।